यीशु वापस लौटा थे। लगभग 2000 सालन से संसार में सब जगह में ज्यादा से ज्यादा मने यीशु के बारे में शुभ संदेश का सुनत रहे हैं। कलीसिया उन्नति करत रही। यीशु वादा करीन कि उस संसार के अंत में वापस लौटी, पर वो अभी वापस नहीं आए हैं। तभु वह अपन वादा का पूरा करी। जबकि हम यीशु के वापस लौटे के इंतजार करी थे, परमात्मा हमसे ऐसा रीति से जीवन जिए की इच्छा करत है, जौन पवित्र है और जौन उनखर आदर करत है। जब यीशु पृथ्वी में रहत रहे हैं, तब ऊ कहिन मोर चेला संसार भर में सब जगह के मनैन का परमात्मा के राज्य के बारे में शुभ संदेश प्रचार करी और तब अंत आ जाई। बहुत सारा जाति अभू तक यीशु के बारे में नहीं सुनिन है। स्वर्ग का लौट जाए से पहले यीशु मसीहिन से और उन मनैन का शुभ संदेश सुनामा का कहिन जौन यही कभू नहीं सुने हैं। ऊ कहिन जा और सब जातिन के मनैन का चेला बनाबा और कटाई करा के लाने खेत भग चुको हा। यीशु यह भी कहिन कोनो मनई के सेवक अपन स्वामी से बड़ा नहीं होता। यह संसार के महत्वपूर्ण मनई मुझसे नफरत करी नहीं और मोरे कारण वो तुम्हें भी सताई ही और मार डलही। यह संसार में तुम पीड़ित हुई है, पर मजबूत बना, कहे से मैं शैतान का हरा दई हूँ जोन यह संसार में शासन करत है। अगर तुम अंत तक मोर प्रति विश्वास योग्य रही है तो परमात्मा तुम्हें बचाई ही। यीशु अपन चेला का यह समझामा के लाने एक ठी कहानी सुनाई। जब संसार के अंत हो ही तब मनैन के साथ का हुई। ऊ कहिन कोनो मनई अपन खेत में अच्छा दाना बोईस, जब वो सौत रहा तब आखर शत्रु आओ और गेहूं के दाना के बीच में जंगली पौधा के दाना का बो दईस और फिर वह चलोगा। जब पौधा अंकुरित भ तब सेवक व मनई से कहिस हे स्वामी ते तो अपन खेत में अच्छा दाना बोए रहे हस, त फिर यहाँ जंगली पौधा कहे। वह मनई जवाब दईस केवल मोर शत्रु ही उन्हीं बोमा चाही, या मोर को शत्रु है जौन ऐसा करीसी। उस सेवक अपन स्वामी का जवाब दईन का हम ही जंगली पौधा का उखाड़ दे का चाही। वह स्वामी कहिस नहीं, अगर तुम ऐसा करी है तो तुम कुछ गेहूं का भी उखाड़ दई है, कटाई के समय तक इंतजार कर, तब जंगली पौधा का गट्ठा में इकट्ठा कर लिया, तब तुम उन्हें जला सकिया, पर गेहूं का मोरे खत्ता में लेके आवा। चेला यह कहानी के मतलब का नहीं समझिन, ऐसे यीशु से उन्हें समझामा के लाने निवेदन करिन। यीशु कहिन अच्छा दाना बोमा वाला मनई यीशु के प्रतिनिधित्व करा था, खेत संसार के प्रतिनिधित्व करा था, अच्छा दाना परमात्मा के राज्य के मनैन के प्रतिनिधित्व करा था, जंगली पौधा व दुष्ट जन शैतान के मनैन के प्रतिनिधित्व करा था, वह मनई के शत्रु शैतान के प्रतिनिधित्व करा था। जन जंगली पौधा का बोधय रहो है कटाई या संसार के अंत के प्रतिनिधित्व करा था और कटाई करा वाले परमात्मा के स्वर्गदूतन के प्रतिनिधित्व करा था। जब संसार के अंत हुई तब स्वर्गदूत उन सब मनैन का एक साथ इकट्ठा करी जौन शैतान के हैं। उन स्वर्गदूत उन्हीं एक थे बहुत ही गर्म आगी में फेंक दई हूँ। उन उमने भयंकर सताव मरोही और अपन दांत पीसही, पर जौन मनई धर्मी हैं जौन यीशु के अनुसरण करीसी वो के परमात्मा पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकही। यीशु यह भी कहीं कि उस संसार के अंत होए से पहले पृथ्वी में लौटी ऊ वह तरीका से वापस आई जैसे ऊ गए रहे हैं, अर्थ उनखर पास वास्तव में शरीर हुई अब वह आकाश में बादल में सवार होके आई। जब यीशु लौटी तब हर मसीह जौन मर चुको है मरे मसीह जी उठी और उनखर से आकाश में मिली। तब जौन मसीही अभू भी जिंदा हैं ऊ आकाश में उठा ले जाई और ऊ दूसर मसीहिन के साथ शामिल हो जाई हूँ। जोन मरे मसीह जी उठे हैं उन सब हुन यीशु के साथ हुई हूँ। ओके बाद यीशु अपन मनैन के साथ रही हूँ। जब वो एक साथ रही हूँ तब उनके पास सदा के लाने पूरा शांति हुई। यीशु में विश्वास करा वाले हर जन का
एठे मुकुट दे के प्रतिज्ञा करीन। उ सदा के लाने परमात्मा के साथ हर एक चीज में शासन करी। उनके पास सिद्ध शांति हुई। पर परमात्मा उस सब के न्याय करी जो यीशु में विश्वास नहीं करत ही। उन्हें नरक में डाल दई। हुन ऊ रोही और अपन दांत पीसही और ऊ हमेशा पीड़ित होत रही। कभू ना बुझा वाली आग उन्हें लगातार जलावत रही और कीड़ा उन्हें खाए से कभू न रुकी। जब यीशु लौठी तब वो पूरा रीति से शैतान का और ओखे राज्य का नष्ट कर दई हूँ। वो शैतान का नरक में डाल दई हूँ। उन शैतान हमेशा के लाने जलत रही। वो सबके साथ जौन परमात्मा के बातन का माने के बजाय शैतान के पीछे चलक के चुनाव करे रहे हैं। कैसे आदम और हव्वा परमात्मा के अनाज्ञाकारिता करे रहे हैं और पाप का यह संसार में लेके आए रहे हैं। परमात्मा वही श्राप दईन और वही नष्ट करा के निर्णय करीन। पर कोनो दिन परमात्मा एक ठे नया स्वर्ग और एक ठे नया पृथ्वी के रचना करही जौन सिद्ध हो ही। यीशु उन खर मनई व नए पृथ्वी में रही और ऊ सदा के लाने सब चीजन में शासन करी। उमनैन की आँखी से हर आंसू का पोछ दही और को भी कभू पीड़ित या दुखी ना हुई। ऊ रोही ना, ऊ बीमार ना होही या मर ही ना और हुन कोई भी बुराई ना हुई। यीशु अपन राज्य में न्याय के साथ और शांति के साथ शासन करी। ऊ हमेशा के लाने अपन मनैन के साथ रही। मत्ती 24, 14, 28, 18, यूहन्ना 15, 20, 16, 33, प्रकाशित वाक्य 2, 10, मत्ती 13, 24 से 30, 36 से 42, पहला थिस्सलुनीकियों 4, 13 से 5, 11, याकूब 1, 12, मत्ती 22, 13, प्रकाशित वाक्य 20, 10, 21, 1 से 22, 21 से बाइबल की एक कहानी।